जैसे कि मेरी बीवी ने वादा किया था, उसने बढ़िया सा जूस बना दिया है और इधर वो जूस निकाल रही है। सो या चलिए जूस पी लेते हैं सुबह सुबह और अपना रूटीन शुरू करते हैं। मॉर्निंग सुप्रभात, जय श्री कृष्णा। सब सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार है, मैं रेडी हो चुका हूँ नहा के, मस्त कपड़े पहने हुए। देखा तो आज मैंने क्या पहना है। सो टुडे आई एम वेयरिंग अ पिंक कुर्ता, पिंक पैजामा एंड दुपट्टा, प्रॉपर सूट है। सो अभी टाइम है मंदिर जाने का, पूजा करने का, मंत्र लेते हैं और मंदिर चलते हैं, पूजा करके आते हैं माँ देवी की, फिर हमें बाहर जाना है। सो उसके लिए थोड़ी पैकिंग करनी है, मीन्स की अभी मैं ड्रेस पहन के जा रही हूँ, वहाँ जाके साड़ी पहनने वाली हूँ। सो यहाँ से मनार जाने के लिए साड़ी क्यों पहन के जाए, सो यहाँ से सूट पहन के जाएंगे और वहाँ जाके साड़ी पहन लेंगे। मंदिर आ चुके हैं, श्रावण या सोमवार थे, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे मंदिर में रेडी। हरे हरे शंभु 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 महादेवा शंभु शंभु ओम सती नाइन यो शंभु 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 महादेवा शंभु 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 महादेव कर्पूर गौर। सो फाइनली मेरी पूजा हो चुकी है, जैसे रेडियो एक बात बताओ, आज सुबह सुबह जल्दी से आया, मतलब जल्दी 8 बज चुके थे, मन को शांति मिली ना। तो वहाँ जब मंत्र उच्चारण हो रहा था, सब लोग मंत्र बोल रहे हैं, पंडित जी भी बोल रहे हैं। आज तो उसके थे टीका लगवाने गई तो पंडित जी ने मेरे को मस्त माथे पे जो चंदन का वो होता है ना, मतलब टीके लगा दिए, वो महादेव को मंदिर जैसे लड़कों नहीं लगाते लड़के वैसे मेरे को कर दिए, मेरे को बहुत अच्छा लगा आज। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, एक खुशी तो और है ही मेरे पास, तो मेरे पास दो वजह है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो चलो जल्दी से घर जाते हैं, कपड़े मशीन में डाले वो धो के सुखा के भाग जाते हैं यहाँ से जल्दी से। और मैं जा रही हूँ मना, तो मैं अपनी मंदिर के ऊपर आगे बढ़ते ही जा रहा हूँ। आज है श्रावणिया सोमवार, मतलब श्रावण महीने का मंडे है, और आज के दिन अगर कोई भी आप शुभ कार्य करते हो तो उससे अच्छा कोई शुभ चीज नहीं होती है। सो एक हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड है राजू भाई, उन्होंने आज अपना मतलब गैरेज, उनका सर्विस प्रोवाइडिंग का है, गाड़ियों की सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हैं भावनगर में। मतलब आपको कहीं पर भी जाना है, कुछ भी जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो आप उनसे गाड़ी रेंट कर सकते हैं या उनको रेंट पे वो करवा सकते हैं। सो आगे डिटेल बताऊंगा मैं आपको, मैं भी खुद अच्छे से जान लेता हूँ। और सर्विस सेंटर वगैरह उन्होंने खोला है, तो चलिए उनकी ओपनिंग है आज, मतलब बोलते ना उद्घाटन, तो उसी में आया हूँ मैं उनसे मिलने। सिद्धसर रोड पे बड़ा सा बोर्ड है, आप मिस नहीं कर सकते किसी भी तरह से, ओके। और इसमें सारी डिटेल्स लिखी है, पढ़ लीजिएगा, मेरे को इतना गुजराती आता नहीं है तो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। देखिए हमें यहाँ पर भाविक जी मिल गया है, केम चनर बे मोहन, अरे मेरे को काम होता है ना अभी, अभी अब काम खत्म हुआ वैसे, पर ऑयल चेंजिंग पूरा सर्विस वगैरह सब हो जाएगा, कार वॉश भी आप करवा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अंदर पूरे लोग बैठे हुए, थोड़ा मुझे शर्म आ रही है बट आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़िया सा प्रेशर पंप वगैरह है लगा रखा है, एंड जो इनके ओनर है राजू भाई, उनसे मिल लेते हैं। कैसे है राजू भाई आप? बढ़िया बढ़िया, सो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जीरो से हीरो हो गए एकदम, मतलब और बोलते ना सेल्फ मेड पर्सन वैसा। तो देखिए कितना बड़ा जगह वगैरह ले लिया है, सर्विस सेंटर सब कुछ बढ़िया सा एकदम, ठीक है।
और क्या चाहिए लाइफ में आपको? ये बोर्ड तो मिस होगा नहीं, मैंने आपको दिखा दिया है। आप यहाँ पर क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करोगे वो बता दो ना थोड़ा। थैंक यू प्रभु, इसमें ऐसा होगा जो टू व्हील कार सर्विस होगा, टू व्हील का होगा, फ्रॉम सर्विस पूरा मिल जाएगा। ओके, और व्हाट अबाउट योर रेंटल, रेंटल वाला? सबसे बढ़िया बहुत तो है कि टाइम नहीं है ना, के अनुसार फ्री होम डिलीवरी मिल जाएगा घर पे लेके। अच्छा, आके भी लेके भी जाएंगे और छोड़ के भी जाएंगे? अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत सही है। मम्मी भी है यहाँ पर, भावना फे भी आए हैं, भाविक तो आप पता ही है। सो फाइनली मैं मनार पहुँच चुका हूँ, मतलब हम सब पहुँच चुके हैं। हाय, मेरा घर, जहाँ मेरा बचपन, वो सब यहाँ पे, मैं पला बड़ा हूँ, मेरे पापा की यादें, दादा दादी की यादें, सब कुछ मेरे को आज एक दिन में याद करने को मिलेगी, जहाँ मैं खेला हूँ, बड़ा हुआ हूँ, वो आंगन दिखाता एक सेकेंड। फाइनली गवर्नमेंट को दया आ गई और उन्होंने नए रोड बनवा डाले मस्त। अभी भी थोड़ा काम बाकी है, काम शुरू है आगे, यहाँ तो अभी थोड़ा बहुत खत्म कर दिया है। सो फाइनली मेरा घर आ चुका है, नैन ऑलरेडी कक्का यहाँ पहुँच गया है। आय हाय, ये मेरा घर, वो सामने जगह दिख रही है ना, वहाँ हमेशा मेरे दादा दादी बैठे रहते थे। अभी एक खाना मिल गया, वेफर है, सूखी भाजी है, थेपले, दूधी और क्या बोलते हैं, लौकी और चने की दाल की सब्जी, थेपले, भला मतलब मीठा चिवड़ा, छाछ मैंने कटोरे में पानी पिए वाली भरी हुई है। और अच्छा, घर आते ही तरह खाना मिल गया, घर के अंदर एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे मेरे सारे दादा पापा, मेरे चारों दादा गुजर चुके हैं, मेरे पापा भी, और ये चले हम अपने रूम की तरफ, जहाँ पे मैं सोता था, बैठता था, उठता था, अपने मम्मी पापा के साथ यादें जो बनाई है वो। हाय, ये मिरर को मैंने बहुत मिस किया है, क्योंकि जैसे ही रूम से बाहर निकलो, ये मिरर, ये हमारा रूम है और ये मिरर आज। अभी हम जा रहे हैं मेरे भाई के एंगेजमेंट करने के लिए, मैं अभी रेडी हो रहा हूँ, शायद मैं वहाँ शूट ना कर पाऊँ क्योंकि वहाँ और दो फंक्शन है, इसलिए पब्लिक के लिए थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। अभी मैं ऑलमोस्ट साड़ी पहन ली, बैंगल्स डाल दिए, मस्त वाली इयर रिंग्स पहन ली, अब बाल बनाना है और थोड़ा बहुत मेकअप करना है, अदा तो मैं कर चुका हूँ, अभी एक लाइनर बाकी है, बाकी सब हो चुका है। तो चलिए आपको फुल रेडी करने के लिए। ये मेरे भांजे और भतीजी है, ये दोनों मस्ती पे मस्ती किए जा रहे हैं, ना रेडी हो रहे ना दूसरों को होने दे रहे। इतर तो आज बेरी रावण छो, मामा ની સગાઈ માં બીજા પહેરવાના છે, ઈ પહેરવાના છે, રાવી તારે આજ કપડા પહેરવાના છે, એને એ મેરી બુઆ કી લડકી હે વિશ્વા। હાય વિશ્વા, તો અભી તો મેં મોસ્ટ ઓફ મતલબ કે 90% મેં રેડી હું, બાકી કે અબ થોડા સા કામ બાકી હે, અભી મિલતે હું। એ દેખો એ દોનો રેડી હો જા। હાય કે દો। सो फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ, बैंगल्स, कमर झूम, साड़ी, बाल अभी तक ढंग से मैं तो नहीं बना पाया हूँ, ना घुरे रहे, पता नहीं क्यों। आई एम रेडी। सो फाइनली हम सब रेडी हो चुके हैं, अब नीचे जाते हैं और सब तैयारी करते हैं। सो फाइनली एंगेजमेंट हो गई, शूट नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ बहुत सारे मेहमान थे, तो मेरे को भी ऑकवर्ड लग रहा था और गांव में थी तो यहाँ पे भी सबको ऑकवर्ड लगेगा, इसलिए नहीं किया। सो फाइनली मैंने कपड़े भी बदल लिए, मुंह धो लिया है, अभी भी है थोड़ा बहुत, बस साबुन से नहीं धोया, एज अ सिर्फ वाटर से धोया है। बट यहाँ से सनसेट हो रहा है भाई, इतना प्यारा लग रहा है मेरे, शायद आपको दिखे गए, देखो उस नारियल के बीच में, यहाँ से मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पूरे आंगन में मैं ऐसे ही खेल रहा हूँ, घूम रहा हूँ नंगल में। ओह माय गॉड, जब मैं यहाँ पे था ना शादी से पहले, उनको हर रोज पानी देती थी और बहुत सारे नींबू आते थे, अभी भी है, अभी पके नहीं है, वरना एक तोड़ के लेके जाती मैं अपनी यादी के लिए कि मैं यहाँ पे मैंने बड़ी की है, इस नींबू को, नींबूड़ी को पानी दे दी क्या ऐसा। फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं, बैठ जाओ, पावलो में पहुंच गए।